आज मैं फिर से लेकर आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही खास्ता आलू और सूजी की कचौड़ी। इससे आप खुद ही आसानी से बना सकते हैं। इसे आप किसी भी खास मौके पे, डिनर पे बनाइए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हाय, मैं हूँ सीमा, स्वागत करती हूँ आपका अपने कुकिंग चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी से निवेदन है कि हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। आपकी कचौड़ी एकदम बहुत ही खास और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। यहाँ पे हमने एक बॉयल आलू लिया, जिसे छील के उसे कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पे चॉपर में अदरक, हरी मिर्च, कुछ लहसुन की कलियाँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट कचौड़ी बनती है। शाम के चाय के समय में, सुबह के मॉर्निंग के नाश्ते में, बच्चे के टिफिन में आप इसे ज़रूर बनाएं। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, मस्ट ट्राई रेसिपी है। अब यहाँ पे चॉपर में हमने सारे मसाले को, एक प्याज ऊपर से डाल के सबको चॉप करके, इसी में कद्दूकस किए हुए आलू में सबको एक साथ डाल देना है। इसमें बहुत बारीक ही अच्छे से इस तरह से चॉप कर लेना है, इसको कट नहीं करना है। बारीक चॉप प्याज से पूरी फटती नहीं है। अब यहाँ पे हमने बारीक कटे हुए धनिया पत्ती, चार चम्मच बड़े चार चम्मच सूजी यहाँ पे हमने इसमें ऐड किया। फ्रेंड्स, स्वाद अनुसार नमक डालें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मिर्ची पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें। अब इसमें हम कसूरी मेथी को हाथ पे मसल के इससे ऐड करेंगे, अजवाइन हाथ पर मसल के ऐड करेंगे, चुटकी भर मंगरेला डालें। यहाँ पे 300 ग्राम के करीब हमने आटा लिया है, चार चम्मच सूजी, एक आलू और 300 ग्राम के करीब आटा, और चॉपर में पानी डाल के जिसमें प्याज हमने चॉप किया था उससे भी इसमें ऐड करेंगे। दो चम्मच शुद्ध देसी घी इसमें हमने ऐड किए। अब इस सबको अच्छे से मिलाते हुए डो तैयार कर लेंगे। डो को ज़्यादा हमको गीला नहीं तैयार करना है, नहीं ज़्यादा हार्ड, नॉर्मल जो रोटी के लिए हम डो तैयार करते हैं उस तरह से इसको आटा को लगा लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इससे अच्छे से हम 10 मिनट के लिए ढक के सेट होने के लिए इसे रख देंगे। जब छोटी मोटी भूख लगी हो तो झटपट में आप इसे आसानी से बना सकते हैं। टेस्टी और स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही बनाना आसान है, बहुत ही ईजी है, खास्ता और टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी बहुत है। मस्ट ट्राई रेसिपी, इसे ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे हमने गैस चढ़ा दी, कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब इसमें हम रिफाइंड डाल देते हैं और इसे हाई फ्लेम पे पहले गर्म कर लेंगे, फिर इसे फ्लेम को हम लो मीडियम के बीच में रखेंगे। मीडियम टू लो के बीच में जब हम कचौड़ी को तलेंगे तो ना हमारी कचौड़ी कच्ची रहेगी, नहीं जलेगी, अंदर तक अच्छे से पक जाएगी, गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से ये अंदर से सिक जाएगी। अब यहाँ पे हमने आटा को दो भाग में डिवाइड कर दिया है, एक भाग को साइड कर देंगे, दूसरे भाग को हमने इसे लोई बना लेना है। इस कचौड़ी को आप जल्दी और जल्दी बनाना चाहते हैं, जोड़ों की भूख लगी और झट से बनाना चाहते हैं, तो इसका डो तैयार करके आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 4-5 दिन के लिए। ज़्यादा लास्टिंग अच्छी नहीं होती, तो 4-5 दिन के लिए आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और इसे जब दिल करे कचौड़ी, गर्मा गर्म कचौड़ी छाने और चाय के साथ सुबह में, नाश्ते में, बच्चे के टिफिन में आप इसे दे सकते हैं। शाम की चाय के समय इसे खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। फ्रेंड्स, एक खास बात, जब आप कचौड़ी को बनाएं, मसाला पूरी जब भी बनाएं, तो इसे आप घी में फ्राई कर सकते हैं, रिफाइंड में फ्राई कर सकते हैं, जिस रिफाइंड को आप यूज करते हैं, जो खाते हैं ऑयल, उससे आप यूज कर सकते हैं। बट सरसों तेल में इसे कभी फ्राई नहीं करें, क्योंकि उसका खुद का स्मेल होता है, जो कि बिल्कुल टेस्टी आपकी कचौड़ी नहीं बनेगी। सारे मटेरियल मसाला डालने के बाद भी कचौड़ी उतनी टेस्टी नहीं बनेगी जितना टेस्टी हम चाहते हैं और जितना टेस्टी हम इसे तैयार करते हैं बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तेल हमारे गर्म हो चुका है, रिफाइंड गर्म हो चुका है। अब इसमें बारी बारी करके कचौड़ी को डालेंगे और सबको अच्छे से मीडियम फ्लेम पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, मीडियम फ्लेम पर इसे अलट पलट के अच्छे से सारे कचौड़ी को तल के निकाल लेंगे। यहाँ पर कचौड़ी हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अच्छे से अंदर तक सीख चुकी। कचौड़ी बनके रेडी है, इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और फिर सेम तरीके से फिर दूसरे कचौड़ी को इसमें डालेंगे। यहाँ पे तैयार है फ्रेंड्स कचौड़ी। इसे सब्जी, चटनी, रायता के साथ खा सकते हैं, दही में जीरा का छौंक लगा के उसके साथ खा सकते हैं। ऐसे तो इस मसाला कचौड़ी में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी इसे बिना बगैर सब्जी चटनी के आप खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप यहाँ पर मैं तोड़ के दिखाती हूँ।
चटपटा मसालेदार आलू सूजी की कचौड़ी, आप इसे जरूर ट्राई करें, मस्ट ट्राई रेसिपी है। जब तक इसे ट्राई नहीं करेंगे तब तक ये कितना टेस्टी कितना स्वादिष्ट है आपको पता नहीं चलेगा। दिखने में वो बात नहीं जो खाने में है, आप इसे बना कर जरूर ट्राई करें। आगे भी ऐसी रेसिपी चाहते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।